की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से, जहां एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को मिला है एलजेपीआर से टिकट। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और एनडीए का घटक दल है और एलजेपीआर जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान और जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान की अगर हम बात करते हैं तो चतरा से भी पूर्व विधायक रहे हैं और एक बार फिर एलजेपीआर की ओर से ये कैंडिडेट बने हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? और संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए और एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। 24 अक्टूबर को जनार्दन पासवान नामांकन करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर ने टिकट दिया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से, जहां एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को मिला है एलजेपीआर से टिकट। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और एनडीए का घटक दल है और एलजेपीआर जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान और जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान की अगर हम बात करते हैं तो चतरा से भी पूर्व विधायक रहे हैं और एक बार फिर एलजेपीआर की ओर से ये कैंडिडेट बने हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? और संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए और एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। 24 अक्टूबर को जनार्दन पासवान नामांकन करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर ने टिकट दिया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से, जहां एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को मिला है एलजेपीआर से टिकट। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और एनडीए का घटक दल है और एलजेपीआर जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान और जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान की अगर हम बात करते हैं तो चतरा से भी पूर्व विधायक रहे हैं और एक बार फिर एलजेपीआर की ओर से ये कैंडिडेट बने हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? और संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए और एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। 24 अक्टूबर को जनार्दन पासवान नामांकन करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर ने टिकट दिया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से, जहां एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और
जनार्दन पासवान को मिला है एलजेपीआर से टिकट। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान। जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और एनडीए का घटक दल है और एलजेपीआर जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान और जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान की अगर हम बात करते हैं तो चतरा से भी पूर्व विधायक रहे हैं और एक बार फिर एलजेपीआर की ओर से ये कैंडिडेट बने हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? और संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए और एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। 24 अक्टूबर को जनार्दन पासवान नामांकन करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर ने टिकट दिया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से है जहां एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को मिला है एलजेपीआर से टिकट। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान। जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और एनडीए का घटक दल है और एलजेपीआर जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान और जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान की अगर हम बात करते हैं तो चतरा से भी पूर्व विधायक रहे हैं और एक बार फिर एलजेपीआर की ओर से ये कैंडिडेट बने हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? और संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए और एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। 24 अक्टूबर को जनार्दन पासवान नामांकन करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर ने टिकट दिया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से है जहां एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को मिला है एलजेपीआर से टिकट। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान। जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और एनडीए का घटक दल है और एलजेपीआर जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान और जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान की अगर हम बात करते हैं तो चतरा से भी पूर्व विधायक रहे हैं और एक बार फिर एलजेपीआर की ओर से ये कैंडिडेट बने हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? और संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए और एनडीए का घटक दल है एलजेपीआर और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर से टिकट दिया गया है। 24 अक्टूबर को जनार्दन पासवान नामांकन करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआर ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जनार्दन पासवान को एलजेपीआर ने टिकट दिया है। चतरा विधानसभा से पूर्व विधायक है जनार्दन पासवान।